हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इन्फो एमडी। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद आशिफ। आज आपको बताने वाला हूँ 20 जून की कुछ इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारियाँ, तो वीडियो एंड तक देखें। नेचुरली ये ख्याल तो सभी के दिमाग में आता होगा कि अपने देश के लोग इसे मनाने के लिए आगे कैसे आए। हालांकि कहानी यहीं से शुरू नहीं होती है। इस दिन की शुरुआत द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहे जाने वाले देश USA, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में होती है। वैसे तो इसके पीछे कई स्टोरी हैं, लेकिन मैं आपको एक सबसे पॉपुलर और फेमस स्टोरी बताने जा रहा हूँ, और कहानी कुछ यूँ है, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो एंड तक देखिए। सोनेरा नाम की एक लड़की थी जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब इसके पिता ने इसे और इसके परिवार का पालन पोषण किया। इसके पिता ने हर वो जिम्मेदारी निभाई जो इसकी माँ की थी। जब सोनेरा बड़ी हुई तभी इसने सन 1909 में कहीं से सुना कि मदर्स डे मनाया जाता है। मदर्स डे के बारे में इसे पहले से नहीं पता था। जब इसने मदर्स डे के बारे में सुना तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर माँ के लिए एक दिन समर्पित किया जाता है तो पिता के इतने योगदान के लिए क्यों नहीं। उसने इसे आधिकारिक दिन बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, लोगों से बात की, कई ऑफिशियल अधिकारियों के पास गई। तब जाकर वहाँ के पादरियों ने इसके इस विचार को एक्सेप्ट किया। ऐसा माना जाता है कि सन 19 जून 1910 को पहला फादर्स डे मनाया गया था। वैसे तो ये दिन वर्ल्ड के हर देश में मनाया जाता है, लेकिन हर देश में हर जगह अलग अलग दिन मनाया जाता है। जैसे अपने इंडिया, अमेरिका और कुछ अदर कंट्रीज़ में जून माह के थर्ड संडे को मनाया जाता है। नंबर 2, रंक से राजा। ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन वास्तव में ये क्या दर्शाता है? यही ना कि वर्लैप की बोरी पहने एक व्यक्ति अचानक से अरमानी सूट पहनना शुरू कर देता है। वैसे ये जवाब सही हो सकता है, लेकिन ये जो अचानक शब्द है ना, ये शब्द के पूरे अर्थ को कुचल देता है। पता है इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता है। किसी की कल्पना से भी अधिक समय और धैर्य लगता है। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले ऐसे ही एक व्यक्ति ने एक रास्ते पर कदम रखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेलगाम की उन सकरी गलियों की तुलना में काफ़ी चौड़े सपनों और आकांक्षाओं के साथ इसी दिन शुरू हुई थी लक्ष्मण राव किर्लोस्कर की कहानी। शायद अब आप ये नाम सुनकर चौंक भी गए होंगे कि लक्ष्मण राव किर्लोस्कर कौन थे। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये जो किर्लोस्कर ग्रुप है ना, लक्ष्मण राव उसके संस्थापक थे। जी हाँ, लक्ष्मण राव किर्लोस्कर एक इंडियन बिजनेसमैन थे जो किर्लोस्कर ग्रुप के फाउंडर थे। इनका जन्म 20 जून 1869 में हुआ था। नंबर 3, के सामने दुनिया का हर बड़प्पन अपने आप को छोटा महसूस करता था, या यूं कहो कि दुनिया का हर वो बड़ा आदमी जो अपने आप को छोटा महसूस करता है वह कोई और नहीं बल्कि सबसे निस्वार्थ इंसान मिस मदर टेरेसा थी। जी हाँ, आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उन्हें 1985 में स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया था। नंबर 4, आज फादर्स डे के साथ साथ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी है। जी हाँ, आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी विश्व शरणार्थी दिवस भी है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ रहना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हजारों लोग हर साल इस निराशा से अपने घर छोड़ देते हैं कि वे अपनी ज़मीन फिर कभी नहीं देखेंगे। अपनी इच्छा से नहीं बल्कि इसलिए कि यह जीवन और मृत्यु का खेल है। उनके इस बलिदान को स्वीकार करने के लिए इस दिन को हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गाइज, कैसा लगा आपको ये वीडियो? वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और हाँ, ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए
हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।